हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हो गाइस। तो गाइस, कल जो एसबीआई क्लर्क की जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, आई होप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो बात करें नंबर ऑफ जो फॉर्म फिल हुए हैं, वो आपके अप्रोक्स 14.5 लाख हुए हैं, 14,25,000 समथिंग ये फॉर्म फिलअप हुए हैं गाइस। और लास्ट डेट जो आपका था, वो डाटा था, वो 18 लाख प्लस आपके जो फॉर्म फिलअप हुए थे गाइस। तो आप देख सकते हो उससे 4 लाख तो इस बार कम है। और इसमें भी ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दो दो बार फॉर्म भी फिलअप किया है, कुछ कारणवश वो गलतियां करते थे, उस वजह से वो दोबारा फिलअप करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रजिस्ट्रेशन तो करते हैं बट फाइनल सबमिट नहीं करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्स मान के चलो तो 10 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम देंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और कल ही आपका जो आईपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड आया है, तो आपने देखा होगा कि हर स्टेट की जो कट ऑफ है क्या गई है, वो हाई गई है। तो आपका ऐसे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन है जो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो रियली में बैंकर बनना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है गाइस। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या, हमारे पास 5,000 प्लस है फॉर्म फिलअप हुए। अगर मान के चलो 10 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम देंगे और 5,000 आपके पास वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है गाइस। हर सब्जेक्ट को एक बेहतरीन तरीके से करो। इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वांट और रीजनिंग अलग अलग वीडियो बना दूंगा आप, तो आप देखो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अभी से तैयारी करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। हर स्टेट की कट ऑफ आपकी हाई जा रही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। देखो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट तो होता ही है, उसमें 4 से 5 नंबर का आपका डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आता। तो अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट देखूँ जो 75 भी अटैम्प्ट करके आ रहा है, तो उसके कितने होंगे, 4 बढ़ते हैं सपोज, तो 80 के आसपास उसके मार्क्स आएंगे। तो देखो वो जो 75 अटैम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब वो तैयारी करके जा रहा है, तभी तो 75 अटैम्प्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट तो पड़ेगा, बट अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करते हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जब भी आप मॉक दो तो कोशिश करो स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप एक काम करो, अभी फोकस करो एक्यूरेसी में। देखो अगर आपने 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए विदिन आपकी 100% एक्यूरेसी, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे आप अगर मॉक में भी मैं दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा लैपटॉप या पीसी में देने की, मोबाइल में मत देना गाइस। अगर मजबूरी है तभी मोबाइल में देना, बट कोशिश करना लैपटॉप और पीसी में देने की। उसके बाद आप क्या करना, जो आपका स्कोर है ना उसको, जिस अगर आप मॉक अटेम्प्ट करते हो तो कोशिश करना अगर 50 से 60 के बीच में भी अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करना कि 100% एक्यूरेसी। अगर अभी से आप एक्यूरेसी फोकस करोगे तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आपका ऐरे गहरे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला, उन्हीं बच्चों के साथ है जो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।